सो हे गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपको एंड्रॉइड के ऐसे 5 एप्लीकेशन के बारे में बताऊंगा जो यूज करके आप अपने स्मार्टफोन पर कुछ कस्टमाइजेशन कर सकते हो, और साथ ही साथ इन सब एप्लीकेशन को आप यूज करके आप अपने डेली बेसिस लाइफ में जो स्मार्टफोन यूज करने का जो एक्सपीरियंस है उसे आप काफी ज्यादा इनहेंस कर सकते हो। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखना, और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इस तरह की बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स लाता रहता हूँ। और अगर वीडियो पसंद आया ना तो प्लीज वीडियो को भी एक लाइक जरूर करना। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को करते हैं शुरू। फास्ट जो एप्लीकेशन है उसका नाम है फ्लोटिंग बार, और ये एप्लीकेशन आपके लिए तब जाके बहुत ही ज्यादा यूजफुल होगा जो एप्लीकेशन आप डेली बेसिस लाइफ में बहुत ही ज्यादा यूज करते हो, उन सब एप्लीकेशन को आप इस फ्लोटिंग बार पे ऐड कर सकते हो। और सिर्फ एप्स ही नहीं गाइस, आप इस पर म्यूजिक, कॉन्टैक्ट्स, टूल्स, वेबसाइट, अगर आप किसी वेबसाइट को बार बार विजिट करते हो डेली तो आप इस वेबसाइट को भी इधर ऐड कर सकते हो। साथ में आपको वेदर भी दिखने को मिल जाएगा, चाहो तो आप इस वेदर को भी इधर ऐड कर सकते हो। और ये जो फीचर्स है फ्लोटिंग बार का, ये पहले LG V30 मॉडल पे था, लेकिन अब इस फ्लोटिंग बार का जो फीचर्स है ये फीचर्स आप किसी भी एंड्रॉइड डिवाइस पे यूज कर सकते हो। तो एक बार इस ऐप को जरूर यूज करना और कमेंट में बताना कैसा है एप्स। नेक्स्ट जो ऐप है उसका नाम है मूवीज, और ये एप्लीकेशन बेसिकली एक विजुअलाइजर का काम करता है। जब भी आप अपने फोन पर कोई भी सॉन्ग्स प्ले करते हो तो आपके फोन के स्क्रीन के नीचे ये एप्लीकेशन एक विजुअलाइजर का इफेक्ट क्रिएट करता है जो दिखने में काफी ज्यादा कूल एंड स्टाइलिश एट्रैक्टिव लगता है। और हाँ गाइस, इस एप्लीकेशन पे आपको कुछ फ्री में विजुअलाइजेशन का जो इफेक्ट है वो मिल जाएगा, लेकिन बाकी जितने भी एट्रैक्टिव वाला जितने भी विजुअलाइजेशन इफेक्ट है ना वो सब आपको परचेज करना होगा। अगर आपको ये एप्लीकेशन फ्री में यूज करना है या अगर आप परचेज नहीं करना तो आपको पता है आप कहाँ जाना है, आप सीधे गूगल बाबा के पास जाओ, उनके पास हर चीज का जड़ी बूटी है। समझ रहे हो ना। जो लोग समझदार है वो समझ चुके होंगे। तो इस एप्लीकेशन को एक बार इंस्टॉल करना, ट्राई करना, अगर आप किसी को इम्प्रेस करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। हरामी हो। नेक्स्ट जो ऐप है ये एक्चुअली एक वॉलपेपर ऐप है, और इस वॉलपेपर ऐप का नाम है 4K वॉलपेपर, या तो फिर आप इसे वाली फ्लाई भी कह सकते हो। और ये वॉलपेपर ऐप मैंने इसलिए ऐड किया है क्योंकि आपको एक ही वॉलपेपर ऐप में ऐसे बहुत सारे जो वॉलपेपर है वो तो दिखने को मिलेगा, लेकिन साथ ही साथ आपको ऑटो वॉलपेपर चेंज का भी ऑप्शन दिखने को मिलेगा, लाइव वॉलपेपर जितने भी और सब भी आपको इधर दिखने को मिलेगा, जो एज लाइटिंग वॉलपेपर है वो सब भी आपको इधर दिखने को मिलेगा, और जो लाइव क्लॉक वाला जो वॉलपेपर है ना वो सब भी आपको इधर दिखने को मिल जाएगा। तो एक बार इस वॉलपेपर ऐप को जरूर ट्राई करना, इंस्टॉल करना, और नीचे कमेंट करके बताना कैसा है वॉलपेपर ऐप। और हाँ गाइस, इस वॉलपेपर ऐप में आपको थोड़ा बहुत ऐड का सामना करना पड़ेगा, पर फिर भी ये जो वॉलपेपर ऐप है इसमें आपको काफी ज्यादा अच्छा अच्छा वाला जितने भी वॉलपेपर ऐप से, लाइव वॉलपेपर ऐप से, ये सब आपको इधर दिखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट जो एप्लीकेशन है उसका नाम है स्टोरी आर्ट, और ये एप्लीकेशन उन लोगों के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा जो लोग हर टाइम इंस्टाग्राम यूज करते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे ज्यादा एक्टिव रहते हैं, इंस्टाग्राम पे ज्यादा पोस्ट वगैरह करते हैं, उन लोगों के लिए ये एप्लीकेशन काफी ज्यादा यूजफुल होगा। और इस एप्लीकेशन पे आपको ऐसे बहुत सारे जो स्टोरी के लिए या पोस्ट के लिए जो टेम्पलेट्स होते हैं वो सब आपको इधर दिखने को मिल जाएगा, तो आप इन सब टेम्पलेट्स को यूज करके आप अपने स्टोरी या पोस्ट को और भी ज्यादा एट्रेक्टिव बना सकते हो। और इस एप्लीकेशन पे ना आपको 3000 से भी ज्यादा जो परफेक्ट कॉलाज के लिए जितने भी टेम्पलेट्स होते हैं वो सब भी आपको इधर दिखने को मिल जाएगा, और साथ ही साथ आपको 400 से भी ज्यादा जितने भी एनिमेटेड स्टोरीज के लिए जितने भी टेम्पलेट्स होते हैं वो सब भी आपको इधर दिखने को मिल जाएगा। और हाँ गाइस, इस एप्लीकेशन पे ना आपको 3000 से भी ज्यादा जो हाईलाइट स्टोरीज के लिए जितने भी कवर होते हैं ना वो सब भी आपको इधर दिखने को मिल जाएगा। तो जो लोग ज्यादा इंस्टाग्राम यूज करते हो या इंस्टाग्राम पे ज्यादा एक्टिव रहते हो वो लोग इस एप्लीकेशन को एक बार जरूर ट्राई करना, और स्पेशली गर्ल्स आपके लिए ये बता रहा हूँ, आपके लिए ये जो एप्लीकेशन है ना ये परफेक्ट है स्टोरी के लिए हो या पोस्ट के लिए हो, तो एक बार इस एप्लीकेशन को जरूर इंस्टॉल करना, ट्राई करना। नेक्स्ट जो एप्लीकेशन है उसका नाम है 1H, और ये एप्लीकेशन बेसिकली एक शॉर्टकट पैनल का काम करता है। आपके फोन के होम स्क्रीन के ऊपर ये एप्लीकेशन एक शॉर्टकट पैनल क्रिएट करता है जहाँ पर आप अपने जितने भी फेवरेट एप्स है या जो जो एप्स आप डेली बेसिस लाइफ पे बहुत ज्यादा विजिट करते हो उन सब एप्स को आप इस शॉर्टकट पैनल पे ऐड कर सकते हो। और सिर्फ एप्स ही नहीं गाइस, इस पर आप टाइमर भी सेट कर सकते हो, आपका जो कॉन्टेक्ट नंबर है वो भी आप इधर सेट कर सकते हो, अगर आप ज्यादा पानी वगैरह पीते हो तो उसके लिए भी एक रिमाइंडर उधर सेट कर सकते हो, पानी के लिए भी वो भी आप इधर सेट कर सकते हो। और इस शॉर्टकट पैनल पर आप छोटा सा एक न्यूज फीड भी दिखने को मिल जाएगा, आप चाहो तो उधर जाके न्यूज वगैरह भी देख सकते हो, पढ़ सकते हो। और ये बहुत ही ज्यादा यूजफुल है क्योंकि आपको एक ही शॉर्टकट पैनल पे आपको कॉन्टैक्ट्स, ऐप से लेकर सब कुछ इधर दिखने को मिल जाएगा। तो आप एक बार इस एप्लीकेशन को जरूर इंस्टॉल करना, ट्राई करना, और नीचे कमेंट करके बताना कौन सा ऐप्स आपको
सबसे ज्यादा पसंद आया है। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको काफी ज्यादा पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इस तरह के बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स लाते रहता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।